हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपके डिवाइस के अंदर जो है वोल्टी का आइकन शो नहीं होता, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है उनके डिवाइस के अंदर वोल्टी का जो आइकन है वो शो नहीं हो रहा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने जो है इसको सॉल्व किया अपने डिवाइस के अंदर, दोनों सिम के मेरे जो है सिम के अंदर वोल्टी का आइकन प्रॉपर काम कर रहा है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखो, ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके लिए गए सबसे पहले सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाना, तो आपका अलग अलग नाम लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको आना है। एयरटेल और जियो मेरे डिवाइस के अंदर लगा हुआ है, तो हो सकता है कि आपके डिवाइस के अंदर एक ही तरह का दो सिम लगा होगा, जियो का लगा हो या फिर एक ही सिम लगा होगा। तो आपने जो भी सिम लगा के रखा हुआ, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, मतलब जो है VI का सिम, उसको जो आपको ओपन करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने जो है जियो एयरटेल दोनों को लगा के रखा हुआ है। दोनों के अंदर मैं आपको जो इसको सेट करके दिखाऊंगा, तो देख सकते हो ये वाला जो है। तो कब यहाँ पर जो है वोल्टी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मोबाइल नेटवर्क के अंदर से अगर आप जाते हो तो हो सकता है कि यहाँ से आपको वोल्टी वाला जो ऑन करने का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाए। तो अभी देखो ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसको जो है बैक करके वापस से ओपन करूँगा। तो यहाँ पर ये ग्लिच या फिर बग वगैरह हो सकता है मेरे डिवाइस के अंदर, लेकिन आपके डिवाइस के अंदर ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो 4G वोल्टी का आइकन है वो आपसे यहाँ पर जो है शो होने लगा। तो देखो अब नॉर्मली जो यहाँ पर आप इसको ऑफ़ करते हो तो आपको वोल्टी जो है बंद हो जाता है, ऑन करते हो तो आपको वोल्टी आइकन आ जाता है। तो बस नॉर्मली यहाँ पर ये सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बंद है तो इसको आप जस्ट ऑन कर दोगे तो आपका जो वोल्टी का आइकन है वो शो हो जाएगा। एंड अब दैट इज आपको पता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा कि भाई चालू करने के बाद भी उनका जो वोल्टी आइकन है वो शो नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के अंदर जाना और यहाँ पर वो 4G, 3G, 2G को ऑटो में सेलेक्ट कर देना, या फिर अगर आपका 5G है तो 5G ऑटो पे सेलेक्ट कर देना। और यहाँ पर वोल्टी को ऑफ करके एक बार जो है आपको वापस से ऑन कर देना है। देखो मैंने जो इसके अंदर ऑफ ऑन कर दिया। यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम से एक चीज़ देखने को मिलेगा, एक APN देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको जाना होगा, तो यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिकली APNs बने होते हैं, तो प्लस पे आपको क्लिक नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा घटिया यूट्यूबर्स जो आपको बताते हैं कि प्लस में जाओ, यहाँ पर ये सेटिंग करो, आपका इंटरनेट ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये बस फालतू का कहा हुआ था। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको 3 डॉट में क्लिक करना है, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट के अंदर इसको क्लिक कर देना है, और आपका जो APN है वो रीसेट हो जाएगा। जो भी एयरटेल की तरफ से डिफ़ॉल्टली सेट किया जाता है इंटरनेट के लिए, तो वो जो है डिफ़ॉल्टली ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो आपका एयरटेल या फिर जियो है तो दोनों के अंदर सेम काम जो है आपको करना होगा, वोल्टी को बंद ऑफ चालू मतलब जो ऑफ करके चालू कर देना। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर फिर से जो है आपको जाना होगा, एक्सेस पॉइंट नेम जियो के अंदर आपको जियो नेट के नाम से देखने को मिलता है। तो अगर आपके आपने उसके अंदर छेड़छाड़ किया होगा तो ये चेंज हो चुका होगा। तो ये देखो यहाँ पर जियो नेट से लिखा हुआ, इसका भी आपको 3 डॉट में क्लिक करना होगा। 3 डॉट में आप क्लिक करके इसको भी जो है आप लोगों को रीसेट कर देना है, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट में क्लिक कर देना है। तो बस यहाँ पर आप जो है आपका काम हो चुका है। उसके बाद गैस जो है अपने फ़ोन को एक बार आप लोग जो है रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जो है होप सो आपके जो वोल्टी आइकन है वो शो हो जाएगा। एंड इसके बाद भी नहीं शो होता तो अपडेट अगर आपका सॉफ्टवेयर आया तो उसको कर लो, उसके बाद शो हो जाएगा। तो अगर आपका सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो यही था वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।